मुख्यमंत्री शिवसेना का बनेगा। हमने कहा कि अगला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में शिवसेना से होगा, कि मुख्यमंत्री आने वाले दिनों में शिवसेना का होगा, इस राज्य में महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाएंगे, महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री लाकर। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की। नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। महाराष्ट्र की सियासत में पिछले कुछ दिनों से शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस लगातार बैठक कर रहे थे, तो वहीं बीजेपी ये सियासी नाटक दूर से बैठकर देख रही थी। शुक्रवार शाम तक शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस बैठक करती रही, यहां तक कि एनसीपी चीफ शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के नाम पर मोहर भी लगा दी थी। लेकिन शनिवार की सुबह सियासी बाजी पूरी तरह पलट गई और सुबह सुबह ही देवेंद्र फडणवीस ने लगातार दूसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। साथ में एनसीपी के अजीत पवार ने भी डिप्टी सीएम की शपथ ली। रातों रात हुए इस बड़े उलटफेर के बाद महाराष्ट्र को नई सरकार मिली तो पीएम मोदी ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेने पर देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत पवार जी को बधाई। मुझे विश्वास है कि वो महाराष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए लगन से काम करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी देवेंद्र फडणवीस को बधाई देते हुए ट्वीट किया, देवेंद्र फडणवीस जी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और अजीत पवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर हार्दिक बधाई। मुझे विश्वास है कि ये सरकार महाराष्ट्र के विकास और कल्याण के प्रति निरंतर कटिबद्ध रहेगी और प्रदेश में प्रगति के नए मापदंड स्थापित करेगी। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट कर बधाई देते हुए कहा, देवेंद्र फडणवीस जी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और अजीत पवार को प्रदेश के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर हार्दिक बधाई। मुझे पूरा भरोसा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एनसीपी सरकार महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। बता दें कि महाराष्ट्र में जारी उठापटक के बीच बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने दोबारा सीएम पद की शपथ ली है, वहीं एनसीपी नेता अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। सुबह करीब 8 बजे राजभवन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने दोनों नेताओं को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शनिवार सुबह तक महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की बात कही जा रही थी। तीनों दल उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने पर सहमत भी हो गए थे और चर्चा थी कि शनिवार को औपचारिक तौर पर वो राज्यपाल से मिलकर दावा पेश कर लेंगे, लेकिन इसी बीच बड़ा उलटफेर हो गया। सबसे पहले तो मैं हमारे नेता आदरणीय मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी, हमारे कार्याध्यक्ष नड्डा जी, इन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने फिर एक बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में मुझे सेवा करने का मौका दिया। मूल रूप से महाराष्ट्र की जनता ने एक बहुत स्पष्ट जनादेश दिया था, किंतु उस जनादेश को नकारते हुए हमारे साथ लड़ी शिवसेना पार्टी ने, हमारे साथ गठबंधन करने की जगह दूसरी ओर गठबंधन करने का प्रयास शुरू किया और जिसके चलते महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। और महाराष्ट्र में कितना समय राष्ट्रपति शासन लागू हो, महाराष्ट्र जैसे एक अग्रणी राज्य को ये शोभा भी नहीं देता, और इसके चलते महाराष्ट्र को एक स्थिर शासन देने की आवश्यकता थी। कोई खिचड़ी शासन नहीं जहां पर तीन ऐसी पार्टियां साथ में आ जाए और कोई सरकार बना दे जो चल भी ना पाए। और ऐसे समय मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता श्री अजीत दादा पवार जी का अभिनंदन भी करना चाहूँगा, उनका आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने ये निर्णय लिया कि महाराष्ट्र को एक स्थायी सरकार मिले। इस हेतु से वे भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे, हमारे साथ में कुछ अन्य लोग भी आए हैं, और इसके चलते हमने हमारा दावा आदरणीय राज्यपाल जी को पेश किया। उस दावे की पुष्टि करते हुए आदरणीय राज्यपाल जी ने माननीय राष्ट्रपति जी से अनुशंसा की कि राष्ट्रपति शासन वापस लिया जाए, और राष्ट्रपति शासन वापस लेने के बाद आज यहाँ पर हमको माननीय राज्यपाल जी ने शपथ का निमंत्रण दिया। मैंने और श्री अजीत दादा पवार, इन्होंने शपथ ली है, मैंने मुख्यमंत्री पद के लिए है, उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद के लिए है, और मेरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में एक स्थिर स्थायी इस प्रकार की सरकार हम लोग दे पाएंगे। श्री अजीत आनंदराव पवार उप मुख्यमंत्री। मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढ कथन करतो की
कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडी आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. देखिए अजित पवार की क्या प्रतिक्रिया है मुझे मालूम नहीं. उनकी प्रतिक्रिया जो रिएक्शन है उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं. कल 9 बजे तक ये महाशय हमारे साथ बैठे थे, पूरी बातचीत में सक्रिय थे, उन कोई सूचना भी कर रहे थे. अचानक से वो गायब हो गए. हमें थोड़ा संशय आया था उस बारे में उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, क्योंकि वो नज़रों से नज़र मिलाकर नहीं बोल रहे थे. जो व्यक्ति पाप करने जाता है उसकी नज़र जिस प्रकार से झुकती है वो झुकी हुई नज़रे से बात कर, ठीक है बातचीत एक दिन के लिए आगे बढ़ गई, उसका मतलब ये नहीं था. लेकिन भारतीय जनता पक्ष ने राजभवन का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया है फिर एक बार, ये इस देश के लोकतंत्र को शोभा नहीं देता. सत्ता, पैसा और मस्ती, ये सब फिर एक बार उसका गैर कानूनी ढंग से इस देश में वापर किया है. मैं मानता हूं कि इस राज्य के राज्यपाल एक ऐसे व्यक्ति है जो आरएसएस से आए हैं, जो संस्कारी है और कानून का पालन करें. लेकिन अंधेरे में पाप होता है, अंधेरे में डकैती और चोरी होती है, अंधेरे में व्यभिचार होता है. महाराष्ट्र की सरकार को जिस तरह से जल्दबाजी में अंधेरे में शपथ दिलाई गई, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र को शोभा नहीं देता. अजित पवार, मैं देवेंद्र फडणवीस का नाम नहीं लूंगा, वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं बीजेपी, लेकिन अजित पवार और उनके साथ जो विधायक है ये सभी लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम बदनाम किया है. या सगळ्या लोकांनी अजित पवारांसह जे लोक गेलेले आहेत बरोबर, या सगळ्या लोकांनी छत्रपति शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्राच्या नावाला काळीमा फासलेला आहे. गंगाधरराव फडणवीस मुख्यमंत्री. मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखेन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव
किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे कळविणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही।